from local market. This is the doormat or small rug which cost me around 165 rupees, and I bought this pillow cover which cost me around 50 rupees, and this decorative piece which was around 200 rupees. You can see this, and the cloth इससे मैं curtains बनाऊंगी and I will upload the video also. So it cost me around 90 rupees for 3 meters. And these green leaves, ये मुझे मिली है 35 rupees for 2 meters. And I bought these pins, कुछ हैंग करने के लिए स्टिकॉन्स है, तो ये है 20 रुपीस की. तो रूम में एंटर होते से ही हमें सबसे पहले ये एरिया दिखता है एंड देखते हैं क्या है. तो हमने Pinterest से इंस्पायर होके ये कुछ क्रिएट किया है बुक से, एंड ग्रीन लीव्स लगा दी है, एंड पास में ये डेकोरेटिव पीस है. सो ओवरऑल दिस इज़ द फेवरेट स्पॉट, मतलब मेरा ये फेवरेट स्पॉट है. एंड यहाँ पे कर्टेंस लगाए हैं, बीच में कुछ पोस्टर्स लगाए हैं मेरी सिस्टर ने. सो इस एरिया पे अभी और वर्क होना बाकी है, अभी के लिए तो इतना ही किया है, और होगा तो इन फ्यूचर में मैं आपको अपडेट कर दूंगी. एंड दिस इज़ द सीटिंग एरिया कम बेड. यहाँ पे कुछ और पोस्टर्स है, एंड यहाँ से आएंगे पास में तो ये टेबल है, टेबल पे कुछ नॉवेल्स रखी हुई है, एंड दीज पिन्स जो हमने लाइक अभी यूज़ किए और अभी करना बाकी भी है. BTS की डायरीज, मेरा जर्नल, और यहाँ पे कुछ आई थिंक टेप्स, ग्लू गन, ये सब रखा हुआ है. लुक एट द ग्रिल, ये हमने DIY की है, इसकी वीडियो भी अपलोड है शॉर्ट्स में. एंड इधर कर्टन्स लगाए हैं, एंड मेरी रिंग लाइट. ये जो कर्टन्स है, मैंने जो वीडियो में प्राइसिंग बताई है उसमें अलग है, वो मुझे जो भैया थे उन्होंने कम दे दिया था, तो फिर मैं चेंज करके ये वाले कर्टन्स लाई. This was 40 rupees per meter, and this is me. पे मैं हूँ, and मिरर को भी मैंने ऐसे डेकोरेट करने की कोशिश की है. Look, and ये मतलब इस ये वाला जो डोर है यहाँ से हम आए हैं. So overall ये मेरा रूम है. Look, छोटा सा रूम है. यहाँ पे मैंने मतलब वार्डरोब वगैरह नहीं लगाया है, because मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थी, तो मेरा जो वार्डरोब है वो दूसरे रूम में है. सो दिस इज़ माई ओवरऑल रूम लुक. एंड लाइट्स ऑफ करके बताती हूँ मैं हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स.